नमस्कार, बलिया लाइव के डेली पॉडकास्ट हाल समाचार में आपका स्वागत है। बलिया जिले में क्या चल रहा है, सुनिए लेटेस्ट अपडेट हमारे रेजिडेंट एडिटर कृष्णकांत पाठक से। आवास विकास कॉलोनी में पूजा पाठ के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले महावीर को बलिया कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया। आज दिल्ली से बलिया उसे लाया गया। पुलिस टीम ने अभियुक्त के कब्जे से मंगलसूत्र, मांग टीका, हार सेट सहित अन्य कई गहने व 3000 नगद बरामद किया है। मरीजों की ऑक्सीजन की कमी न हो इसकी पूर्ति के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सौजन्य से दुबहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिशन जिंदगी के तहत 5 ऑक्सीजन सेचुरेटर और बाथा पार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन सेचुरेटर ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के हाथों प्रदान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पर सांसद निधि से 30 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई एवं 300 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए काम शुरू हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला चिकित्सालय बलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडी पर COVID-19 का टीकाकरण 18 से 45 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं को प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने आज गुरुवार को बलिया बैरिया NH के किनारे हो रहे कार्यों के अलावा बकुलहा संसार टोला बंधे पर हो रहे बचाव कार्य का जायजा लिया। बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 जून तक कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए। जल भराव की समस्या से बलियावासियों को निजात दिलाने के लिए कटहल नाले के साथ अब गड़ारी नाले की भी सफाई व खुदाई शुरू हो गई है। संसदीय कार्य एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने आज खुदाई कार्य का शुभारंभ किया। सहायक निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत तेंदुआ पट्टी फरसाटार की मतगणना में धांधली की जांच करने के बाद उभाव थाने में आज प्रधान पद के प्रत्याशी के पति अनिल कुमार यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। उभाव पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 419, 420, 171 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अभियुक्त सफाई कर्मी भी बताया जा रहा है। बलिया में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। एक्टिव केस 51 मिले, वहीं पर पॉजिटिव केस 3 ही मिले हैं। बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बृहस्पतिवार को जनपद में 6874 टेस्ट किए गए, इसमें 3 पॉजिटिव केस पाए गए जबकि एक्टिव मामले 51 रहे। ठीक होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 3 ही है। जनपद में गठित निगरानी समितियों ने आज 696 गांवों का भ्रमण किया और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उपाय सुझाए। 60 व्यक्तियों को निगरानी समितियों द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का काम जारी है। AIM पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य बेलथा रोड विधानसभा क्षेत्र के नेता विष्णुकांत चौधरी का निधन आज हृदय गति रुकने से हो गया। पार्टी के तरफ से विष्णुकांत चौधरी को खिराज ए अकीदत पेश किया गया।
वे दुभान क्षेत्र के जनाड़ी गांव के रहने वाले थे। चौधरी जनता पार्टी लोक दल जदयू के पदाधिकारी भी रहे। बाद में उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारी बनाया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति रसोईया संघ ने 2 मिनट मौन रखकर दाता आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।